हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे नचनिया पार्टी और ये जो सेलिब्रिटी है इनको इनको आप वाई प्लस और जेड प्लस की सुरक्षा दे रहे हैं। इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया से हमें मारने के लिए आ रहे हैं। रात को यहाँ ध्वस्त कर दिया और बड़ी बर्बरता के साथ में टेंट उखाड़ा। मैं इसका जवाब योगी से मांगूंगा। हमारे बाप को, हमारे पिता को, हमारे गुरु को खतरा है। जनरल साहब की चमचागिरी में सारी पुलिस और सारा प्रशासन हमें कुचलने पर लग गया। हमारे पिता पर अगर किसी प्रकार के खतरा होगा तो बेटा जो है चुप नहीं बैठेगा। नेताओं के अहंकार ने हमें यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर हम लोग मौजूद हैं। सन्यासियों के द्वारा गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर अनशन किया जा रहा है। बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज अनशन किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गिरी महाराज जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे महाराज जी विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर? नहीं देखिए, मेरे शिष्य आमरण अनशन कर रहे हैं। मैं तो केवल एक प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे शिष्य मुझे जेड प्लस की सुरक्षा मिले इसकी मांग कर रहे हैं और ये मांग इनकी बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया से हमें मारने के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इनाम घोषित कर रखा है उसको देखते हुए मेरे शिष्यों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है और ये बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या तो हमारे केंद्र सरकार ये हमें डिसऑबे कर दे कि भाई हम उनके वोटर नहीं हैं, हम उनकी राज में रहने वाले नहीं हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। और अगर नागरिक हैं तो कोई अधिकारी हमें ये कह दे कि जितनी सुरक्षा उन्होंने दे रखी है इतना ही हमें खतरा, इतनी सुरक्षा पर्याप्त है। और अगर वो ये दो बात नहीं कर सकते तो कम से कम सुरक्षा की कुछ व्यवस्था करें। केवल ये हमारी मांग है और कोई हमारी खास मांग भी नहीं है। अच्छा, आप ही किसी नेताओं से किसी से बात नहीं, नहीं कोई नेता? देखिए, नेताओं के अहंकार ने हमें यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया। हमारे सारे शिष्य जो है जनरल वीके सिंह के घर पे गए थे। जनरल वीके सिंह के घर पे जो लोग बैठे रहते हैं उन्होंने हमारे शिष्यों से ज्ञापन तक नहीं लिया। हमारे शिष्य सारे नेताओं के पास गए थे, जनरल साहब के पास भी गए थे, उन्होंने ज्ञापन तक नहीं लिया। तो हमारे शिष्यों ने कहा भाई जनरल साहब का इतना कैसे कैसे हो सकता है कि वो हमारे MP होकर, हमारे सांसद होकर ज्ञापन तक नहीं लेंगे। तो इसी बात के विरोध में हमारे शिष्य यहाँ हमारा अनशन पर आकर बैठ गए। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने हमसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। जनरल साहब के आदेश पर या जनरल साहब की चमचागिरी में सारी पुलिस और सारा प्रशासन हमें कुचलने पर लग गया। सारी पुलिस सारा प्रशासन हमें कुचलने पर लग गया। अब आपकी किसी से कोई बात हुई, कोई मिलने नहीं के कोई बात? देखिए, मुझे किसी से मिलना नहीं है। हमें किसी से, हमारी कोई प्रदेश सरकार से, प्रदेश के सरकार के अधिकारियों से कोई मांग ही नहीं है। हमारी मांग केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री से है। और जनरल वीके सिंह क्योंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारी ये मांग वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें जनरल साहब के अलावा किसी से मिलना ही नहीं है। भाई क्यों मिल रहे हो? हमें किसी से मिलना नहीं है ना, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें तो मिलना है किसी, हमारी तो छोटी सी मांग है। जनरल साहब मीडिया के माध्यम से कह दे, हम कौन से जीत पे बैठे कि जनरल साहब यही आए। लेकिन जनरल साहब तीन बातों में से एक बात कह दे कि भाई इन, ये भारत के नागरिक नहीं है, हमें इनकी कोई चिंता नहीं है, ये कहीं जाके मर जाओ। या दूसरी बात जनरल साहब या जनरल साहब के अधिकारी कहते कि भाई इस आदमी को जितना खतरा है उतनी सुरक्षा हमने दे रखी है, पर्याप्त है। अगर ये दो बात नहीं कह सकते तो भाई फिर कारण बताओ कि हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। जब पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादी हमें मारने के लिए आ रहे हैं, NIA के पास रिपोर्ट है, IB के पास रिपोर्ट है, CBI के पास रिपोर्ट है, लोकल इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री के पास रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट है, तो सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे भाई? अच्छा बाबा, देश में प्रदेश में BJP की सरकार है, फिर क्या लगता है आपको, क्यों आपको सुरक्षा नहीं दी? भाई ये तो उनसे पूछो ना। देखो, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? ये आप उनसे पूछो, ये तो आप उनसे पूछो कि भाई एक आदमी जो तुम्हारी नींव में बैठा हुआ है, जब तुम अपने घरों में ACO में बैठते थे, ये आदमी तुम्हारे लिए सड़कों पर लड़ता मरता था, आज जब उसकी जान को इतना खतरा है तो तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? ये तो आप उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या कदम फिर अगला रहने वाला है अनशन पे? मेरा देखिए, मेरा अनशन नहीं है, ये तो इनसे पूछो जो अनशन कर रहे हैं। ये कितने दिन यहाँ टिक पाएंगे, कितने दिन रह पाएंगे? लेकिन अगर मेरे साथियों से, मेरे बच्चों से प्रशासन ने बदतमीजी की या जबरदस्ती की तो फिर मैं इसका जवाब योगी से मांगूंगा, योगी के पास जाके, कि भाई किस हैसियत से यहाँ धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने का अधिकार इन्होंने खत्म किया है। भाई ये अधिकार तो अंग्रेजों तक ने दे रखा था हमें। अंग्रेजों के समय में धरने प्रदर्शन और अंग्रेजों के समय में शांतिपूर्ण अनशन होते थे।
मुलायम सिंह यादव के समय में होते थे, मायावती के समय में होते थे, कांग्रेस के समय में होते थे, अखिलेश यादव के समय में होते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते? अब क्या हो गया ऐसा? क्या कोई विशेष बात हो गई है? तो अगर प्रशासन के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने बिना मतलब अनाधिकार चेष्टा करते हुए, हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं, अगर हम इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं तो ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर हम इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं तो इन्हें तो हम कुछ मानते ही नहीं है, और हम मरने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। जेल भेजना जेल भेजो, मारना है मार दो, जो करना है वो कर दो। हम कोई नेता तो है नहीं, ना हम नेताओं के कोई दलाल है कि हमारा कोई नेताओं से या प्रशासनिक अधिकारियों से काम पड़ेगा। हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने धर्म की लड़ाई में सम्मान के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, जैसे मेरे शिष्य मेरे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही मेरा दायित्व है कि मैं इनके सम्मान के लिए लड़ूं। देखिए, ये धरना नहीं है, आमरण अनशन है, और ये आमरण अनशन के जो कदम हम लोगों ने, यति शिष्य हम सभी गुरु भाई हैं मेरे, और हम लोगों ने ये उठाया है कि गुरु जो है हमारा पिता है, और अगर हमारे पिता पर किसी अगर किसी प्रकार के खतरा होगा तो बेटा जो है चुप नहीं बैठेगा। आज 57 देश के इस्लामिक जिहादी संगठन 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का इनाम गुरु जी के सरकलम करने में लगा रखा है। आईएस जैसे संगठन अभी पकड़े गए अलीगढ़ से, आपको पता होगा, ATS ने पकड़ा है। दिल्ली के होटल से गुरु जी के तस्वीर और क्या बोलते हैं भगवा कपड़े मिले थे, कईयों बार प्रयास हो चुका है। ये सारी रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास भी है, और यहाँ हमारे जो है प्रदेश के मुखिया उनके पास भी है, और प्रशासन के पास तो है ही है। प्रदेश सरकार में किसी से बात हुई क्या प्रशासन के द्वारा? देखिए, प्रदेश की सरकार कोई आज नहीं बनी है, उन्हें सारी जानकारी है, और हमारे गुरुजी जो हैं महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के छोटा मोटा बाबा नहीं है, जो इनको 3 पुलिस वाले सुरक्षा दे रखे, जिसमें 1500 करोड़ रुपये का इनाम, उन्हें 3 सुरक्षाकर्मी दिया हो, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये छोटे छोटे नचनिया पार्टी और ये जो सेलिब्रिटी है, इनको आप Y+ और Z+ की सुरक्षा दे रहे हैं, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का इनाम है गर्दन काटने पर जिहादियों के द्वारा, उनको आप 3 पुलिसकर्मी दे रहे हैं। मंदिर पर आपने 30-40 पुलिस वाले दे रखा, लेकिन गुरुजी के साथ तो 3 पुलिसकर्मी चलते हैं। इसलिए हमारे गुरुवर को इतना खतरा होने के बावजूद ये 3 पुलिसकर्मी से काम नहीं चलेगा। हम लोग जेड श्रेणी के सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे, अमित शाह जी तक भी हमारा लेटर, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सभी प्रशासनिक अधिकारी तक हमारा लेटर गया हुआ है, और 15 दिन का टाइम गृह मंत्रालय से लिया था विचार करने के, लेकिन आज 15 दिन के जगह 1 महीना हो चुका है, आज तक अभी तक उसने कुछ नहीं किया। तब हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हमें अब आमरण अनशन करना पड़ेगा। हमारे बाप को, हमारे पिता को, हमारे गुरु को खतरा है, ये हम ही जान सकते हैं, आम लोग नहीं जान सकते, पुलिसकर्मी नहीं जान सकते, पता सबको है। तो जब तक जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे हमारा प्राण चला जाए, हर हर महादेव। कि ये आमरण अनशन है, इसमें कोई समय नहीं है कि कब तक, जब तक हम अपनी लास्ट सांस तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक गुरुजी को जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिल जाती, हम यहीं बैठे रहेंगे, भले ही हमारे यहाँ समाधि लग जाए, हम मर जाए, पर हम यहीं बैठे रहेंगे तब तक। अच्छा, किसी अधिकारी से कोई बात हुई कि मिलने आपसे आया यहाँ पे अभी तक? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, यहाँ पे जो प्रशासन आया था हमारे टेंट को उखाड़ के ले गया, जिस कारण यहाँ काफी गर्मा हुई, हमें रोड में बैठना पड़ा। हम बड़े शांति तरीके से यहाँ बैठे हुए थे, प्रशासन ने बर्बरता की, और टेंट केवल उखाड़ा नहीं, तोड़फोड़ की टेंट में, वहाँ पाइप टूटे हुए पड़े हैं। उसके बाद में हम रोड बैठे, जब जाएंगे प्रशासन ने दोबारा ये टेंट लगवाया। अच्छा, मतलब आपका टेंट तोड़ा गया, उसके बाद आप वहाँ पर गए? हाँ जी, कल यहाँ हमें प्रशासन यहाँ बैठा गया था कि वीके सिंह आप यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ बैठोगे। हम यहाँ बैठ गए तो रात को यहाँ ध्वस्त कर दिया, और बड़ी बर्बरता के साथ में टेंट उखाड़ा। सुबह हम यहाँ आके देखा तो टेंट यहाँ से बिल्कुल खुला आसमान था, जब हम रोड पर बैठे जाएंगे। तो साफ तौर पर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, साफ तौर पर इनका कहना है जब तक महाराज जी को Y+ सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, जब तक इनका अनशन यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।